कौन सा चंदन है जिस चंदन को भगवान को लगा देने पर, कार्तिक महीने में भगवान को लगा देने पर जीते जी भगवान विष्णु कृष्ण राम एक बार गले लगा कर जाते हैं, वो कौन सा चंदन है? आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, हरी चंदन। कौन सा चंदन है? हरी चंदन। कार्तिक के महीने में हरी चंदन कैसे बनता है? तुलसी जब सूख जाती है, सूखी हुई तुलसी की जड़ धोकर रख लीजिए, कार्तिक के महीने में उसको सिलवट्टे पर घिसकर उसका चंदन बनाइए, उसमें थोड़ा सा कुंकुम मिलाइए, चंदन बनाकर कार्तिक के महीने में जो भगवान विष्णु के मस्तक पर तिलक लगाता है और अपने मस्तक पर भगवान का ही तिलक लगा लेता है, उसको जीते जी एक बार मेरा श्री हरि गले लगा लेता है, वो हरी चंदन। हरी चंदन। उसी तरह कार्तिक के महीने में सूखी हुई तुलसी की लकड़ी घी में भिगोकर, घी के दिए में घी भरकर जो भगवान के मंदिर में, भगवान श्री हरि के मंदिर में, नारायण राम कृष्ण के मंदिर में दिया जला देता है, उस लकड़ी का उसकी मनोकामना तीन महीने में पूरी हो जाती है। कार्तिक के महीने में उस तुलसी का इतना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।